अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने की जरूरत है मेरे साथियों। आज अपने को सोने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट अपने होटल दे रही है, सोने के लिए खाना दे रही है, सब कुछ तो दे रही है मेरे। उस बंदे से पूछो जो बंदा बिचारे इधर उधर काम करके रूम किराया देता है, भाड़ा देता है, कोचिंग का फीस देता है, तब भी बंदा शाम को उठ के आता है। तुमको सब कुछ सुविधा मिल रहा है, अरे मिल रहा है yes, sir। तो भैया अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहे हो? ये क्रांति मैंने यहाँ पे पैदा किया है और इस क्रांति को भुजने मत देना मेरे साथियों, याद रखना मेरे भाई साथियों। उजाला अपन ने कर दिया है yes। अरे तीन बंदे निकले कि नहीं निकले yes, sir। आने वाले समय में 10-12 बंदे निकलना चाहिए। ये मेरे अंदर एक क्रांति है, मेरा एक मिशन चलता है मेरे साथियों। यहाँ कोचिंग वोचिंग डिफेंस के लिए नहीं जीता। आज भी बच्चों से पूछ रहे ना, लोग को लगता कि यार फीस चार्ज देता हूँ, लेकिन इनको पता है कि मैं क्या चीज हूँ। आज अगर कोई मुसीबत की बात आती है उनके साथ खड़े रहता हूँ। अरे साथियों बोलने वाला तो ढेर पड़े रहते हैं, लेकिन जो बंदा साथ में मुसीबत में खड़ा रहता है ना, वो सच्चा इंसान होता है साथियों। अरे मैं इनके साथ में खड़ा हूँ, अरे खड़ा हूँ कि नहीं? तो आप लोग को मेरा सपोर्ट करना है, आप लोग शिक्षा और रोजगार की कौन सी क्रांति पैदा करना मेरे साथ। मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने आप को कमजोर ना समझे, अपने लिए बहुत सारी योजनाएं मेरे भाई। आप लोग को मेहनत करना है, अपने गर्मी स्थिर से उठने वाले बंदे, अपने को परिवार के लिए जीना है, अपने को समाज के लिए जीना है, अपने को आने वाले भविष्य के लिए जीना है मेरे भाई। अरे समझ में है? यस सर। तुम अपने आप को कमजोर समझना। जब भी आप डिमोटिवेट होती हो, सबसे पहले बिरसा मुंडा भगत सिंह के बारे में पढ़ो। उन लोगों ने पूरे देश के लिए लड़ा, लड़ा कि नहीं लड़ा? अपने लड़ा तो खुद से मेरे भाई, अपने लिए लड़ा किससे? खुद से कि नहीं? नौकरी पाना है, क्या करूंगा मैं, मर जाऊंगा, डिमोटिवेशन हो जाऊंगा।